अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी वाडा की 14 अक्टूबर को होने वाली प्रस्तावित रैली को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने रैली को लेकर शिमला के 3 ब्लॉक की बैठक ली। बैठक में शिमला शहरी, ग्रामीण और कसुमटी ब्लॉक के साथ बैठक की। बैठक में प्रियंका गांधी वाडा की रैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि सभी नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह रैली न भूतो न भविष्यति। बात की सूचना है कि 14 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी सोलन में ठोडो ग्राउंड में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रही। हिमाचल में ये उनकी पहली जनसभा है। उसके बाद जो 3 हमारे और संसदीय क्षेत्र है, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर, वहाँ भी वो बहुत बड़ी जनसभाओं को संबोधित जो है करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व हमीरपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, वो मुख्य अतिथि थे और हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी भी उस जनसभा को उन्होंने भी संबोधित किया और पार्टी के हमारे जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद रहे। तो ये जनसभाओं का सिलसिला हमने जो है 14 तारीख से शुरू कर दिया। आप लोग जानते हैं कि चुनाव दहलीज पे है, जहां भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को ला रही है, वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और ये सब जो है सरकारी खर्चे पे किया जा रहा है। हम इस बात की भर्त्सना करते हैं, हमारी जो जनसभा है उसमें हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो स्वयं जो है अपने साधन जुटाकर जो है इन जनसभाओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। बैठक का आयोजन किया गया जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी, ग्रामीण के अध्यक्ष, हमारे तमाम जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो सम्मिलित हुए। श्री संजय दत्त जी ने AICC की तरफ से इस बैठक में सभी पार्टी के पदाधिकारियों से, ब्लॉक अध्यक्षों से जानकारी ली कि उनके क्षेत्र से कितने लोग यहाँ आने वाले हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो पार्टी आला कमान ने टारगेट दिया उस टारगेट से ज़्यादा जो है लोग आने को तैयार है। इस बात को इंगित करता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा उत्साहित है और परिवर्तन की जो भ्यार हिमाचल में बह रही है वो निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। संजय दत्त जी इसके बाद सिरमौर जिला में जाएंगे और वहाँ भी इस आशय की बैठक बोलेंगे और आज हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सोलन में स्वयं तैयारियों का जो है जायजा ले रही है और मैं सभी पत्रकार भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सब जानते हैं कि 14 अक्टूबर को कांग्रेस का चुनावी बुगुल हमारे आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सोलन में होने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा योग है कि प्रियंका जी
तो अपने को हिमाचल परिवार का ही सदस्य मानती है। आप जानते हैं कि उनका घर भी है, समय समय पे वो आती रहती हैं। तो पूरे हिमाचल में एक उत्साह, कार्यकर्ताओं में तो कांग्रेस के है ही, लेकिन आम जनता से भी जो हमको फीडबैक मिल रहा है, ये रैली सोलन में शिमला पार्लियामेंट की तरफ से रखी गई, लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों के लोग भी आना चाह रहे हैं, लगातार वहां से फोन आ रहे हैं कि हम भी आएंगे। एक अलग जोश प्रियंका जी के रैली के घोषणा से हिमाचल में पैदा हुआ, और इसकी पूर्व तैयारी हमारी हो रही है। कुछ दिन पहले सोलन जिला में बैठक हुई, सोलन जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक, पूर्व विधायक, नेता, उसी तरीके से आज शिमला में सभी हमारे भाई कुलदीप जी, भाई अनिरुद्ध जी, भाई नरेश जी, भाई छास्ता जी, हमारे महेंद्र जी, हमारे सुशांत जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष भाई अतुल शर्मा जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, सभी लोग ब्लॉक के अध्यक्ष उपस्थित थे। और एक जो उत्साह हर विधानसभा क्षेत्र से इस रैली में उपस्थित रहने का है, उसका मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पूरे हिमाचल में एक बदलाव की लहर, जिसका ट्रेलर हिमाचल की जनता ने पिछले नवंबर में बाय इलेक्शंस में देखा, मंडी लोकसभा के, अर्की के, जुबरकोट खाई के, फतेहपुर के विधानसभा क्षेत्रों में, और वो बात अब आगे बढ़ी। और कांग्रेस पार्टी एक स्पष्ट विजन के साथ इन चुनावों में जा रही है, हमें परिवर्तन लाना, जो इतने सालों से राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी, और पिछले लगभग 4.5 सालों से वो सभी विकास के काम ठप पड़े, उसको फिर से शुरू करके हिमाचल का पूर्व वैभव लाने का हमारा प्रयास है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने 10 गारंटी की घोषणा की है, और उस घोषणा पे मंथन होके किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, वो सारा स्टडी। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। लगभग तैयार है, उचित समय पे नेतृत्व तय करेगा।